नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं 28 जनवरी से 2 फरवरी तक का वीकली करंट अफेयर। तो कहीं मत जाएं, वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम ऐसे ही वीडियो लाते रहें। किसने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ओपन 2019 का खिताब जीता? नायोमी ओसाका ने। नायोमी ओसाका की बात करें तो यह जापान से बिलोंग करती है। ट्रेन 18 का नाम बदलकर क्या रखा गया है? वंदे भारत एक्सप्रेस। तो आइए हम बात करते हैं ट्रेन 18 के बारे में। भारत के सबसे तेज रेलगाड़ी ट्रेन 18 का नाम बदलकर वंदे भारत एक्सप्रेस कर दिया है। यह रेलगाड़ी दिल्ली से वाराणसी के बीच चलेगी। 16 कोच वाली इस रेलगाड़ी का निर्माण भारत में ही पूर्ण रूप से भारतीय इंजीनियरों द्वारा किया गया है। यह रेलगाड़ी 755 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। यह ट्रेन कानपुर और प्रयागराज में रुकेगी। ट्रेन 18 भारत की पहली बिना इंजन की ट्रेन है। इसका निर्माण चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में किया गया। इस रेल के निर्माण में 100 करोड़ रुपये की लागत आई है। यह ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। किन्हें वर्ष 2019 में भारत रत्न के लिए चयनित किया गया? नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका और प्रणब मुखर्जी। नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया है। किसने हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीता? नोवाक जोकोविच ने। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में विश्व का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बनाए जाने की घोषणा की गई। इस एक्सप्रेसवे का नाम क्या रखा गया? गंगा एक्सप्रेसवे। वह देश जहाँ की डार्लिंग नदी में सूखा के कारण हजारों मछलियाँ मरी हुई पाई गई? ऑस्ट्रेलिया। हिंदी भाषा के लिए किन्हें हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? चित्रा मुद्रल को। लेखिका चित्रा मुद्रल को साल 2018 के प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। यह पुरस्कार उन्हें उनकी कृति पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपारा के लिए मिला है। विश्व का सबसे अधिक व्यस्त हवाई अड्डा है? दुबई। लंदन की कंसल्टेंसी फर्म ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी रिपोर्ट में किस कंपनी को भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी घोषित किया गया है? टाटा ग्रुप को। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन WSA द्वारा हाल ही में जारी एक वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार स्टील उत्पादन की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किए गए वैश्विक भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में किस देश को 78वें स्थान पर रखा गया है? भारत। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक 2018 के अनुसार सबसे कम भ्रष्ट देश है? डेनमार्क। अगर हम बात करें सबसे कम भ्रष्ट देश की तो डेनमार्क एवं न्यूजीलैंड है, और सबसे ज़्यादा भ्रष्ट देश सोमालिया है। अगर हम बात करें भारत की तो इसका स्थान 78वां है। वह लेखक जिन्हें हाल ही में श्री लाल शुक्ल स्मृति साहित्य सम्मान दिया गया? रामधारी सिंह दिवाकर। किस IIT टीम ने नदी की धारा से बिजली बनाने वाला डिवाइस टेस्ट किया है? IIT रुड़की। भारत की क्रिकेट टीम ने हाल ही में किस देश की टीम के खिलाफ 10 वर्ष बाद उसके ही घरेलू मैदान पर सीरीज जीतने में कामयाबी हासिल की है? न्यूजीलैंड। ICC T20 विश्व कप 2020 निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया।